तो भाई ये जो पकड़ो पकड़ो तो भाई रास्ता हो चुका बंद और मैं मुड़ रहा हूँ यहाँ से गाड़ी, पहले फटाफट यू टर्न ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा मामला रिस्क था, बहुत पत्थर है मेरे ऊपर। भाई ये है कंडीशन इस टाइम जो शिंकला टॉप पे है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन बनी हुई है, रोड ही उड़ गया भाई सारा। और ये पानी चेक करो कैसे आ रहा है ऊपर पानी यार। और ये जो पुल है ना लेफ्ट साइड पे, इसकी वीडियो वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये पुल सेंटर में था और ये उखड़ के साइड पे हो गया, देख लो यार। सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और भाई आज अपना डे 3 और आज भी हम ओल्ड मनाली में ही हैं और सेम प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं। एंड आज हम जा रहे हैं टूवर्ड्स शिंकला टॉप, कल जाना था शिंकला टॉप बट कल लेट उठे थे तो इस चक्कर में जा नहीं पाए। एंड आज का जो प्लान है वो बिल्कुल फिक्स है, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स शिंकला टॉप एंड उसके बाद जाएंगे सीधा घर वापस। और ऊपर आए अभी कैफ़े में चाय वगैरह पी के, तो निकलते हैं भाई फटाफट। और भाई एक बार ये अपना ये जन्नत चेक करो, मेरा तो पक्का हो गया यार मैं कभी भी मनाली वाली साइड आऊँ ना कभी भी तो यही प्रॉपर्टी में स्टे करूँगा और आप सबको भी रेकमेंडेड है। और बिल्कुल यार हर किसी का बजट भी होता है और बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल बढ़िया एंड आपको बिल्कुल आपके पैसे वसूल हो जाएंगे यहाँ पे। निकल रहे हैं भाई अपने होटल से टूवर्ड्स शिंकला टॉप। फ्लड्स का हाल, ये लेफ्ट साइड से पूरी रोड और अभी बना रहे हैं वो वॉल बना रहे हैं रोड के साइड पे ताकि अगली बारी फिर आए फ्लड तो तैयारी रहे। बट इतनी ज़ोर से पानी आया, जो पीछे वॉल्स बनाई है वो भी वॉल्स भी साथ में ले गया पानी यार। और ये चेक करो यार लेफ्ट साइड पे सारे गया हुआ रास्ता यार, और अभी तो ओवरटेक भी नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट साइड सारा उड़ गया हुआ है। ये देखो भाई आ चुके हैं अटल टनल के पास और अभी अटल टनल क्रॉस करेंगे एंड फिर उसके बाद रुकते हैं कहीं ब्रेकफास्ट के लिए सीसो वाली साइड में। और चेक करो यार कैसे बादल जा रहे हैं टनल के ऊपर से और हम जा रहे हैं टनल के नीचे से। और ये सबसे मेंटेन्ड टनल है यार ये, तो ये आ गया भाई एग्जिट अटल टनल का और इसको एग्जिट करते ही बिल्कुल सीन्स बदल जाते हैं और हम पहुंच चुके हैं सीसू के पास। अल्ले भाई इतनी तेज़ धूप और आसपास पहाड़ चेक करो बिल्कुल ही बदल गए, क्या हिमालय का व्यू आ रहा है इस टाइम बाहर। व्यू चेक करो यार सामने, मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता ना बट जो मैं देख पा रहा हूँ ना अपनी आँखों से इस टाइम, मतलब गजब ही सीन बना हुआ है यार। और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रखी है ना इस टाइम, और ये देखना सामने एक पहाड़ आएगा इतना बड़ा, वाह यार मतलब ये देखो पूरा वैली का व्यू आ रहा है, अरे भाई मज़ेदार यार। तो जिस पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड अपना शिंकला रह गया यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50 या 45 एंड 50 के बीच में, बट यार जो व्यूज़ आज दिख रहे हैं ना अपने को, आई होप आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा। एंड बस यही कहानी चल रही है अभी तक। और यार शिंकला का जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर रहे हैं हम और बहुत ही ज़्यादा, और गाड़ी का पूरा जोर लग रहा है यहाँ पे, टेस्टिंग हो रही है। और देखो ना आपके सामने वो लेफ्ट साइड पे रास्ता कैसे ऊपर जा रहा है, और वो बंदा सही बोल रहा था कि आगे रास्ता ख़राब है। और ये देखो सीन,
पे रास्ता टूटा भी हुआ है। ये है पासेस, असली पासेस इसको बोलते हैं भाई। मज़ा आता है जो पासेस को कवर करने का। ये चेक करो यार, वाटर क्रॉसिंग अपनी आ गई आज फर्स्ट। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग करी है हमने स्टेप की। भाई हॉर्स भी आ गए रास्ते में। और यार इस टाइम टूरिस्ट भी कम है शिंकुला वाली साइड ना, अपने को कोई गाड़ी नहीं दिख रही, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी टूरिस्ट का आना जाना लगा होता है। तो भाई चेक करो कितना हैवी ब्लॉक है ये, और ये ट्रक के ऊपर जाएगा। के रास्ते और ये राइट साइड पे जो ब्रिज है, ये नया रास्ता बन रहा है। सारा एडवेंचर खत्म कर देंगे यार ये। चलो बढ़िया है लोकल्स के लिए। अरे वाह, ये लेफ्ट साइड चेक करो भाई, बात है। तो भाई शिंकुला टॉप के रास्ते में और थोड़ा फंस गए, काम चला हुआ है। ये देखो यहाँ से ऊपर जाना अपने को, और ये कुछ सीन है यहाँ पे। भाई ये है कंडीशन इस टाइम जो शिंकुला टॉप पे है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन बनी हुई है। तो भाई रोड ही उड़ गया भाई सारा। और ये पानी चेक करो कैसे आ रहा है ऊपर पानी यार। और अपन तो पूरे थार के मज़े ले रहे हैं यहाँ पे, ये चेक करो यार। और ये जो पुल है ना लेफ्ट साइड पे, इसकी वीडियो वायरल हो रही थी बहुत ज्यादा। और ये पुल सेंटर में था और ये उखड़ के साइड पे हो गया, देख लो यार आप। अरे वाह, ऐसा मजा आता है ऐसी ड्राइव करने का पासिस पे जाने के लिए यार। पूरा पहाड़ भाई नीचे आ रखा है। और ये पुल बचा हुआ अभी तक, क्योंकि इस साइड फ्लो कम आया होगा पानी का, क्योंकि पानी यहाँ पे यार तीन चार जगह से आ रहा है ना। तो वही ऐसी कंडीशंस है इस टाइम कुछ शिंकुला टॉप पे। और देखो अपने को तो भाई आ रहा है मज़ा पूरा, क्योंकि अपने को तो जो कीड़ा है वो अपने बॉडी में कहाँ होता है, वो है अपने को ऑफ रोड का और ऐसे पासिस पे जाने का। और अपने को तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोग भी आओ अगर आपको ऑफ रोड का शौक वगैरह है, तो यहाँ पे पूरा होगा शौक आपका। और एक डेढ़ साल तक ही रहेगा यार ये भी रास्ता ऐसा, क्योंकि काम चला हुआ है जोरों शोरों से। तो भाई ये चेक करो जरा सीन आप, क्या ही जबरदस्त बना हुआ है यार, मज़ेदार वाटर क्रॉसिंग, प्रॉपर वाटर क्रॉसिंग बनी हुई है और मज़ा आ रहा है पूरा। और मैं थर्ड गियर में चढ़ा रहा था गाड़ी। अरे भाई साहब मज़ा आ गया यार। अब पता लग रहा है कि वो नीचे से क्यों बोल रहे थे कि ऊपर रास्ता है खराब।
तो भाई अभी तक हम आ चुके हैं 15,000 फीट की हाइट पे और लेट्स सी शिंकला टॉप पहुंच के क्या हाइट गेन करेंगे। मेरे ख्याल से 16 हो जाएगा और लेट्स सी क्या मालचाल बनता है अपना। बहुत बढ़िया अभी तक, सो फार सो गुड यार। बट यार ये रोड्स पे आके ना, ऐसे पासिस पे आके गलती का तो एक भी पॉइंट ही नहीं बनता। बिल्कुल आपको फोकस्ड होके ड्राइव करना पड़ेगा। तो भाई इस क्लिप में अब आपको पता लगेगा कि जब आप 15,000 से 16,000 फीट की हाइट पे होते हो तो आपकी गाड़ी कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है। आप जब किसी हाईएस्ट पास पे जाते हो, और इस टाइम मेरी जो गाड़ी थी 4x4 में लगी हुई थी, बट जो यहाँ ये चेक करो आप, यहाँ पे कितनी ज़्यादा गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, गाड़ी चल भी नहीं पा रही है। सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे इस पास के ऊपर जो अपना ऑक्सीजन लेवल था बहुत ज़्यादा लो था, क्योंकि गाड़ी को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी गाड़ी यहाँ पे चलने में। शिंकला के पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पासेस कवर किए हैं आज तक बाय कार बाय बाइक, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी सा पास लग रहा है मेरे को, बड़ा टास्क है। बहुत ही हौसला रखना पड़ेगा यार यहाँ पे, कभी भी आओगे तो इस टाइम, आगे आने वाले टाइम में तो रोड्स बन जाएंगी, बट इस टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पास है। सो फाइनली वी आर एट शिंकला पास और शिंकला टॉप, और बढ़िया फोटोज़ खींचेंगे क्योंकि बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, हम ही लोग हैं भाई, और मज़ा आ जाएगा यार। ये आ गए हम शिंकला टॉप। फाइनली वी आर एट शिंकला टॉप एंड शिंकला टॉप की हाइट है 16,780 फीट। और ये नज़ारा चेक करो यार यहाँ पे, ये मेरी डार्लिंग, लव यू बच्चे। और यहाँ पे एक लेक भी बनी हुई है, बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट है भाई यहाँ पे। यार गाड़ी लगा दी है मैंने अपनी शिंकला टॉप के बोर्ड के सामने, और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं। बहुत कम, सिर्फ हम ही हैं, और बढ़िया हमने फोटोज वगैरह खींची है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी अपने भाई को फॉलो कर सकते हो,
वहाँ पे फोटोज रील्स वगैरह आपको बढ़िया मिल जाएंगी। और बाकी तो सो फार सो गुड। थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं, चलता रहता है जब आप हाई पासिस पे आते हो, होता रहता है। चलो तो भाई निकल रहे हैं हम शिंकुला टॉप से और अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ा यार ऑक्सीजन लेवल ठीक कर लूँ मैं बॉडी का, फिर मिलता हूँ आपसे। तो निकल रहे हैं भाई शिंकुला टॉप से, बढ़िया अपना एक्सपीरियंस हो गया और बहुत ही नीट एंड क्लीन पास है। और आप भी आओ, ऐसे ही सफाई का ध्यान रखो, प्लास्टिक मत फेंको यार। और बढ़िया था एक्सपीरियंस अपना। और अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स मनाली वापस, और मनाली से सीधा जाएंगे जालंधर। और रास्ते में अभी एक हेलीपैड आएगा, हो सके तो वहाँ पे फोटो ज़रूर क्लिक करेंगे। तो भाई आप चेक करो लेफ्ट साइड पे कितनी ज़्यादा वो है खाई, ये है बिल्कुल पहाड़ का टॉप, जैसे कहते हैं पास। तो भाई अपने को भी अभी न्यूज़ मिली है कि आगे हो चुकी है लैंडस्लाइड और रास्ता बोल रहे हैं कि बंद हो चुका है, बट फिर भी लेट्स सी, एक बारी नीचे जाके देखते हैं क्या सीन है और उसके बाद देखते हैं बाकी क्या करेंगे। और ये भी है ना कि थोड़ा अपने को हो भी लेट चुका है भाई, चलो लेट्स सी क्या बनता है। तो भाई रास्ता हो चुका बंद और मैं मोड़ रहा हूँ यहाँ से गाड़ी, पहले फटाफट यू टर्न ले रहा हूँ क्योंकि है थोड़ा मामला रिस्की सा, बहुत पत्थर है अपने ऊपर भी। तो भाई आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि रास्ता जो है बंद हो चुका है मनाली जाने वाला, और थोड़ी देर पहले नहीं यार, 2-3 घंटे पहले दिखाया था, और बहुत सारे पत्थर आ चुके हैं। एंड सीन अभी ये है, मेरी भी थोड़ी ना तबीयत एकदम से पता नहीं क्यों ख़राब हो गई थी, और फिर यहाँ पे BRO वालों ने थोड़ी हेल्प करी है, और यहाँ पे मेडिकल स्टोर है आर्मी वालों का, तो उन्होंने थोड़ी बहुत ही मेडिसिन दी है अपने को। और रुकना तो आज इधर ही पड़ेगा, देखते हैं अब क्या सीन है क्या नहीं, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरा अभी भी थोड़ी हेल्थ डाउन ही है। एंड ये हैं कुछ सीन्स, रास्ता कर दिया हुआ बंद, वो आगे पत्थर आ चुके हैं सारे, दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ये दिख रहा है ना आपको, ये सारा रोड बंद हो चुका है, पत्थर आ चुके हैं, और आए कहाँ से है वो इतनी ऊपर से, और ये पत्थर हैं जो सारे रोड पे आ चुके हैं। एंड बस यही कहानी है। और देखो बोल बता तो रहे हैं कि कल सुबह तक खुल जाएगा रास्ता, लेट्स सी देखते हैं क्या सीन बनता है। भाई मेरे को ठंड लग रही है यार। सो भाई रास्ता तो बंद है, बट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो सभी सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। रास्ता बंद होने का दुख मेरे को लग रहा है किसी को भी नहीं है यहाँ पे। और बस बढ़िया फन चल रहा है सभी का, सभी अपना एंजॉय कर रहे हैं, रास्ता बंद है, चलो वो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, बट अपना फन चल रहा है भाई यहाँ पे। और ये खड़ा अपना भाई, हाँ भाई रास्ता मारा छक्का चौका नहीं, चलो भाई। तो फाइनली यार अपना रूफटॉप टेंट अपन ने खोल लिया हुआ है, और यार तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आज, पता नहीं क्या एकदम से ही हुआ है सीन, बट चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं अगर खाना वाना मिलता है यहाँ पे तो खाना वाना खाते हैं, तो खाना वाना खाते हैं और खाना खा के तो टेंट में जाके सीधा जाते हैं। सो मेडिसिन तो है अपने पास, वो कोई सीन नहीं है कि मेडिसिन नहीं है, बहुत बढ़िया उन्होंने अपने को ट्रीट किया यार यहाँ BRO वालों ने। और बाकी फ़िलहाल के लिए आज का यही एंडिंग करते हैं, और आपसे मिलते हैं कल, क्योंकि यार बॉडी भी ठीक नहीं है और फिर फालतू का कुछ हासिल करने का फ़ायदा नहीं है, और टेंट अपना बहुत प्यारा लग रहा है यार।